हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एल डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी द टॉपिक रिडक्शन ऑफ ओर्स व्हिच बिलोंग्स टू द चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स शॉर्टली टर्म मेटलर्जी ये वीडियो देखने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना रिक्वायर्ड है और वो बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में कवर भी करने वाले हैं इन द टर्म्स ऑफ ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो तो चलिए पहले हम देखते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं इस वीडियो में पॉइंट नंबर वन हम ओर्स से मेटल ऑप्टेन करने के प्रोसेसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर टू हम उसी प्रोसेस में से रिडक्शन ऑफ ओर्स वाले प्रोसेस को डिटेल में डिस्कवर करेंगे पॉइंट नंबर थ्री रिडक्शन ऑफ ओर्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्मेल्टिंग हम उसका मैकेनिज्म डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और एक एक रिएक्शन को समझाएंगे आपको तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक फर्स्ट पॉइंट स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल नेचुरली मेटल ऑप्टेन होता है ओर से डायरेक्ट ऑप्टेन नहीं होता है स्टेप्स होते हैं कैसा स्टेप जैसे ओर पहली बार बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनको क्रश करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो देर द प्रोसेस नेम इज ऑल्सो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग अब आती है हमारे पास फाइन ओर या फिर पाउडर्ड ओर नेचुरली इस ओर में इंप्योरिटीज तो हैं मेटलर्जी में इंप्योरिटीज को बोलते हैं मैट्रिक्स या गैंग पार्टिकल्स तो मैट्रिक्स और गैंग पार्टिकल्स को हमें हटाना है देयरफॉर हमें साफ सफाई करनी पड़ेगी सेकेंड प्रोसेस का नाम भी क्या है कंसनट्रेशन ऑफ ओर है बिल्कुल सही नेक्स्ट कंसनट्रेटेड ओर हमारी आ चुकी है हमारी ओर की साफ सफाई हो चुकी है अब हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है नेचुरली और अलग अलग नेचर की होती है आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है ताकि मेटल आराम से ऑप्टेन हो जाए देयरफॉर हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में यहाँ पे अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं एक तो हम कैल्सिनेशन यूज कर सकते हैं या फिर हम रोस्टिंग यूज कर सकते हैं कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होता है रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर होता है अगर कैल्सिनेशन हो रही है तो जो ओर ऑप्टेन होती है फाइनली मीन्स मेटल ऑक्साइड ऑप्टेन होता है तो इसको बोलते हैं कैल्साइंड ओर बोलते हैं और अगर रोस्टिंग से ऑप्टेन हुआ है तो बोलेंगे रोस्टेड ओर ऑप्टेन हुई है ये वर्ड्स का ध्यान देना बिकॉज ये वर्ड्स आगे भी यूज हो रहे हैं इस वीडियो में नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड से ऑप्टेन क्या करना है मेटल माने लॉस ऑफ ऑक्सीजन सर लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म डेस रिडक्शन हां तो प्रोसेस का नाम भी क्या है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड जिससे कि मेटल ऑक्साइड से हम मेटल ऑप्टेन कर सकते हैं नेचुरली जो मेटल ऑप्टेन हुआ है वो 100% परसेंट प्योर नहीं है इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा देअर फोर द नेक्स्ट स्टेप इज वॉट नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग तो रिफाइनिंग से मेटल इम्प्योर से क्या ऑप्टेन कर लिया आपने मेटल प्योर तो बेसिकली रॉ ओर से मेटल प्योर जाने के फाइव बेसिक स्टेप्स होते हैं तो चलिए आप मेरे साथ जोर से बोलिए फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग सेकेंड स्टेप इज कंसनट्रेशन ऑफ ओर थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन इंटू ऑक्साइड फोर्थ स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू मेटल एंड फिफ्थ स्टेप इज रिफाइनिंग तो ये आपके फाइव बेसिक स्टेप्स थे ओर से मेटल ऑप्टेन करने के प्रोसेस में आइए हम अब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड को डिटेल में डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड होता किसमें है मेटल में नेचुरली मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट होता है इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं तो चलिए हम वन बाय वन प्रोसेस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन बाय कार्बन और स्मेल्टिंग हर प्रोसेस में बेसिक एलिमेंटल फंक्शन वही है क्या मेटल ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट करना है मेटल में तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कार्बन टेम्परेचर हमें हाई रखना है सेकेंड प्रोसेस है थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से समझ में आ रहा है मेटल ऑक्साइड को हीट करा ताकि वह डिकम्पोज में हो गया मेटल प्लस ऑक्सीजन में कई सारे मेटल ऑक्साइड बहुत ही कम स्टेबल होते हैं या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि वो मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं जैसे सिल्वर का ऑक्साइड हीट करते हो फटाफट से सिल्वर और ऑक्सीजन में देता है गोल्ड ऑक्साइड हीट करते हो तो गोल्ड प्लस ऑक्सीजन में देता है तो आराम से डिकम्पोज हो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी सेल्फ रिडक्शन नाम से समझ में आ रहा है इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है फोर्थ स्टेप इज रिडक्शन बाय अदर मेटल थर्माइट रिडक्शन थर्माइट रिडक्शन मतलब टेम्परेचर हमें हाई रखना है बट रिड्यूसिंग एजेंट हम कोई और मेटल ले सकते थे इसमें अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो नाम हो जाता है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रोमेटोलॉजिकल प्रोसेस मेटल डिस्प्लेसमेंट इन वाटर ये आपने कई बार लोअर क्लासेस में देखा होगा क्या कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देता है एक रिएक्शन बोल रहा हूँ आपने बचपन में जरूर सुनी होगी जेड एन प्लस सी यू ओ जेड एन ओ प्लस सी यू कुछ कुछ ऐसा ही कंसेप्ट इस वाले प्रोसेस में यूज होता है नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कुछ मेटल के ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल तो उनके एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते होंगे ऑब्वियस है तो इस वजह से यहां पे हम कोई और रिडक्शन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते थे हमें इलेक्ट्रिक करंट देना ही पड़ेगा जैसे Al2O3 टू ओ थ्री में अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तब जाके वो ए एल प्लस ऑक्सीजन में रिलीज होगा तो यहां पे ये यह सारे प्रोसेस हैं नेचुरली हर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं तो देअर फोर हर एलिमेंट के प्रोसेसेस भी डीपली डिफरेंट ही होंगे जैसे कोई एलिमेंट अगर इससे रिड्यूस होता है स्मेल्टिंग से तो कोई और एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से रिड्यूस होता है एंड सो ऑन आप बोल सकते हैं अब चलिए एज पर द प्रोमिस ऑफ ओवरव्यू हम पढ़ते हैं स्मेल्टिंग को डिटेल में विथ मैकेनिज्म तो चलिए हम स्मेल्टिंग देखते हैं स्मेल्टिंग होता क्या है बेसिक फंक्शन वही क्या मेटल ऑक्साइड से किसमें में कन्वर्ट करना है मेटल में बिल्कुल सही यहां पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करना है कोक और साथ ही साथ हमें हीटिंग करनी है लिखा भी वही है हीटिंग विद कोक कोक क्या होता है कोक कोल को कोल को अगर आप ज़्यादा हीट करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बहुत लंबे टाइम तक तो उसको बोलते हैं कोक नेचुरली इससे हम क्या ऑप्टेन करते हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑप्टेन करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं हम ओर को क्या करते हैं डीकम्पोज करते हैं बिल्कुल सही ये तो इसका ऑब्जेक्टिव हुआ सेकेंड अब रोस्टेड या कैल्साइनडोर याद आया कुछ कुछ ये वर्ड्स पहले यूज किए थे अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले रोस्टेड या कैलसाइन डोर आ चुकी है मेटल ऑक्साइड आ चुका है हमने इसमें क्या डाला है कोक पाउडर डाला है कोक पाउडर वुड एक्ट एस ए रिड्यूसिंग एजेंट विच वुड रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल नेचुरली मेटल में रिड्यूस करेगा अब यहां तक हमने देखा साथ में हमने क्या डाला है फ्लक्स फ्लक्स क्या चीज है सर ये तो नई चीज आ रही है फ्लक्स फ्लक्स बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है चलिए आप देख भी लेते हैं इसके बारे में एक्चुअली मेटल ऑक्साइड जो कि रोस्टेड या कैलसाइड और के अंदर ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो बिल्कुल अलग ही नहीं हो रही हैं सेपरेट ही नहीं हो रही हैं मेल्ट ही नहीं हो रही हैं अगर मेल्ट नहीं हो रही हैं तो हमने फ्लक्स डाला अलग से फ्लक्स क्या काम करेगा ये उन इंप्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करेगा उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करेगा सेपरेट करेगा और बना देगा क्या स्लैग तो बेसिकली स्लैग कहाँ से बनाए फ्लक्स प्लस द ओरिजिनल इंप्योरिटीज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन दी ओर विच वॉज नॉट मेल्टिंग नेक्स्ट हम लोग का जो मेटल ऑक्साइड ऑप्टेन हो रहा है वो फर्दर किस में ऑप्टेन हो रहा है मेटल में और मेटल कौन से स्टेट में है सॉलिड या मोल्टन नेचुरली मोल्टे बिकॉज यहां पे टेम्परेचर हमारा क्या है हाई और टेम्परेचर हाई पे मेटल कैसे स्टेट में ऑप्टेन होगा मोल्टेन तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया अब हम रिएक्शन से समझते हैं उससे हमारी पिक्चर और क्लियर होती है मेटल ऑक्साइड से हम लोग को क्या ऑप्टेन करना है मेटल नेचुरली यहां से यहां ऑप्टेन करने पे क्या हो रहा है रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है अब रिडक्शन का हो रहा है तो कोई रिडक्शन करवा रहा होगा ऑब्वियस है यहां पे हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए सी या सी ओ होना चाहिए देखते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे है जीरो जीरो से यह किसमें जा रहा है प्लस फोर में तो ये खुद का क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज इट एंड रिड्यूस अदर्स रिड्यूसिंग so एजेंट हम रिड्यूसिंग एजेंट सी ओ को भी ले सकते थे सीओ में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है प्लस टू से भी किस में ऑप्टेन हो रहा है प्लस फोर में रिपीट ऑक्सीडाइज इट सेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स वट इट इज रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से क्या ऑप्टेन हो रहा है मेटल कौन सी स्टेट में बोल्टन स्टेट में तो सी या सी ओ दूसरो को कर रहे हैं रिड्यूस खुद हो रहे हैं ऑक्सीडाइज सो देर फोर इट इज टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट तो ऑब्जेक्टिव मैंने रिएक्शन के थ्रू बता दिया ऑब्जेक्टिव मैंने स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया अब हम इसकी मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं उससे पहले छोटी सी बातें ले लेते हैं अगर हम हाई टेम्परेचर पर रिडक्शन करते हैं तो नेचुरली मेटल किस स्टेट में ऑप्टेन होगा मॉल्टन स्टेट में सेकेंड दिस प्रोसेस इज मेनली फॉर आयरन टिन लेड एंड जिंक नेचुरली आपको एलिमेंट्स याद रहने चाहिए कौन से प्रोसेस के लिए क्या यूज़ होते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में यहां पे आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक तरफ देते हैं मैच दी कॉलम में एलिमेंट्स और एक तरफ देते हैं प्रोसेस अब आपको मैच करना होता है तो आपको एलिमेंट्स लर्न रहने चाहिए कौन से प्रोसेस में कौन से एलिमेंट के मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑप्टेन कर सकते हैं चलिए हम आगे देखते हैं अब आपकी तरफ से एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सर आपने बोला स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग हो रही है लेकिन स्मेल्टिंग होती कहाँ है ये तो बताओ तो स्मेल्टिंग होती है ब्लास्ट फर्नेंस में आपका आंसर है स्मेल्टिंग इज कैरीड आउट इन ब्लास्ट फर्नेंस अब आप लोग का दूसरा क्वेश्चन बच्चे लोग पूछ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है वो दूसरा क्वेश्चन सर ब्लास्ट फर्नेंस होता क्या है इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है वो भी तो बताओ बिल्कुल बताएंगे ब्लास्ट फर्नेंस बिल्कुल आपके शरीर जैसा होता है ये क्या कह दिया सर ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरी बात मानिए आप जैसे खाना खाते हैं अपने मुंह में आपका खाना यहाँ से उतर के आपके स्टमक में डाइजेशन होता है बिल्कुल वैसा ही है ब्लास्ट फर्नेस यहाँ पे इनका खाना क्या है ओर लाइम या कोक ये इनका गला है थ्रोट और यहाँ पे इनका बेली रीजन है यहाँ पे इनका डाइजेशन चल रहा है अब हो क्या रहा है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस का ओर मतलब मेटल ऑक्साइड लाइम मतलब फ्लक्स और कोक माने रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है मेटल में हेल्प कौन कर रहा है कोक हेल्प कर रहा है कोक इज रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल नेचुरली मेटल कैसी और स्टेट में ऑप्टेन हो रहा है सॉलिड या मोल्टन मोल्टन तो मोल्टन आयरन आ रहा है स्लैग कहाँ से आया सर ये फ्ला लाइम और ओवर में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थे इससे क्या बना स्लैग बना स्लैग नीचे आ गया है स्लैग और आयरन में स्लैग थोड़ा लाइटर होता है अभी के लिए देख लो फिर बाद में और डिटेल में बता देंगे स्लैग थोड़ा लाइटर होता है इसलिए ऊपर रहता है और आयरन थोड़ा हैवियर होता है तो वो नीचे रहता है पूरे ब्लास्ट फर्नेंस में अलग अलग सेग्रीगेशन हो रहे हैं टेम्परेचर के हर बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है यही जोन्स हम लोग को अभी थोड़ी देर में पढ़ने हैं साथ ही साथ हम लोग ने यहाँ पे क्या किया ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन डाला है यहाँ से ताकि वो कोक के साथ मिक्स हो और अल्टीमेटली कोक के साथ मिक्स होके वो क्या देगा सी या सी देगा जो भी वेस्ट कैसेज है वो यहां से निकल जाएंगी मेजरली सी टू निकलती है और यहां पर आपको टेम्परेचर वाइज डिवाइडेड है ब्लास्ट फर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है एन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेम्परेचर लर्न होने चाहिए कैसे लर्न करेंगे चलिए मेरे साथ देखिए 600 डिग्री सेल्सियस हमें लर्न है अगर पहली डिजिट देखेंगे सिक्स में अगर आप फाइव ऐड करेंगे तो अलेवन एलेवन में अगर आप टू ऐड करेंगे तो थर्टीन थर्टीन में अगर आप फाइव ऐड करेंगे तो एटीन फर्स्ट डिजिट देखिए तो आपको क्या याद रखना है सिक्स और 525 525 पांच डिजिट याद रखनी है तो 600 के बाद 1100 1100 के बाद 1300 1300 के बाद 1800 इससे आपको टेम्परेचर लर्न हो जाएंगे और आपका काम इजी गोइंग में चल जाएगा अब जैसा कि मैंने बोला था सी एंड सी ओ वुड एक्ट एस ए रिड्यूसिंग एजेंट विच वुड रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल बिल्कुल सही है रिएक्शन कैसे हो रही है देखिए कोक ऊपर से नीचे गिर रहा है ऑक्सीजन आपने डाला ही है नीचे से ऊपर तो यहां पे कोक और ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या बना लेंगे सीओ टू बना लेंगे वेरी गुड और यही CO2 नीचे से से ऊपर ऊपर जा रही है कोक नीचे गिरी रहा है तो कोक और सीओ टू मिक्स होकर क्या बना लेंगे CO बना लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे और यहां पे पूरे ब्लास्ट फर्नेस में आई रिपीट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सी एंड सीओ आर रिड्यूसिंग एजेंट तो चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म को एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं यह आपका ब्लास्ट फर्नेस है लेबलिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी लेबलिंग क्या है सबसे पहले तो वेस्ट गैसेस यहाँ से निकलेंगी ये हमारा खाना है और प्लस 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 कार्बन नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे मैंने बोला था कि टेम्परेचर वेरिएशन है अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जोन्स हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे है कम्बसशन जोन उससे ऊपर है फ्यूजन जोन उससे ऊपर है स्लैग फॉर्मेशन और उससे भी ऊपर है रिडक्शन जोन तो सबसे कम टेम्परेचर पे कौन सा जोन रिडक्शन जोन सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे कौन सा जोन कंबेशन जोन दाइएस्ट टेम्परेचर इज इन दी बॉटम पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस दी लोएस्टरेचर इज इन दी टॉप पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस यहां तक हमने देखा जो आयरन ऑक्साइड से आयरन ऑप्टेन हो रहा है वो नीचे बैठ रहा है स्लैग कैसे ऑप्टेन हो रहा है यहां से फ्लक्स और इंप्योरिटी का मिक्सचर क्या बन रहा है स्लैग स्लैग इज लाइटर देन मेटल सो देयरफॉर मेटल इज एट बॉटम लेवल एंड स्लैग इज एट दी अपर लेवल देन मेटल तो यहां तक तो लेबलिंग थी अब हम जोन्स में रिएक्शन देखते हैं और मैकेनिज्म को समझते हैं और यहां से हमारे डिटेल मैकेनिज्म समझ में आता है याद रहे आपको रिएक्शन रटनी नहीं है आपको समझनी है तो चलिए हम कंबस्टन जोन को डिटेल में स्टडी करते हैं सबसे पहले आता है कंबस्टन जोन सबसे ज्यादा टेम्परेचर नाम से समझ में आ रहा है क्या हो क्या रहा है का कोक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बना लेगा सीओ यही सीओ ऊपर उठेगी वो उसी कोक के साथ रिएक्शन करेगी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है और साथ ही साथ बनेगा क्या सीओ फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इज एंडोथर्मिक तो ये तो था कम्बस्टन जोन सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बॉटम पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा रिडक्शन जोन नाम से समझ में आ रहा है रिडक्शन बेसिक रिडक्शन हो रहा है मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्टेन हो रहा है कंबेशन जोन से जो सी नीचे से ऊपर आ रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कब करेगी रिडक्शन जोन में रिडक्शन जोन में टेम्परेचर क्या है सबसे कम है चारों जोन के कंपेरिटिवली तो सी ओ वुड एक्ट एस ए रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर कैसे आइए देखते हैं एफ ई टू और थ्री में कंबाइन करेंगे सी ओ अल्टीमेटली क्या बनेगा कार्बन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है बनेगा क्या प्लस फोर और आयरन ऑक्साइड से मेटल ऑप्टेन हो जाएगा मेटल नेचुरली कैसे ऑप्टेन होगा मॉल्टन स्टेट में इसलिए क्या लिखा है स्पॉन्जी आयरन ये तो मैंने रिएक्शन लिखी है बट इसकी मैकेनिज़्म होती है अब मैकेनिज्म कैसे होती है आइए देखते हैं बिल्कुल डरना नहीं है हम हर रिएक्शन को समझेंगे चलिए Fe2O3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस थ्री एफ आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस एट बाई थ्री विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू प्लस टू पॉइंट सिक्स सेवन नेक्स्ट एफ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू और लास्ट में Fe ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो आप देख सकते हैं एफ की ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है कम हो रही है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होगा नेचुरली हर स्टेप में हमारा सीओ डालेंगे तो सीओ कितनी बार आएगा तीन बार सीओ टू कितनी बार बनेगा तीन बार सीओ यूज हो रहा है तीन बार और सी टू बन रहा है तीन बार और एफ ई टू ओ थ्री से क्या बन रहा है एफ ई नेचुरली मेटल ऑक्साइड से मेटल कन्वर्ट हो रहा है सी ओ वो ए रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर बिकॉज रिडक्शन जोन इज एट दॉप पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस एंड टेम्परेचर इज मिनिमम अमंग ऑल जोनस आइए हम नेक्स्ट जोन देखते हैं नेक्स्ट जोन है हमारा स्लैग फॉर्मेशन स्लैग फॉर्मेशन नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे स्लैग बन रहा है कहाँ से बनता है फ्लक्स से और इम्प्योरिटीज से फ्लक्स हमारा क्या था सी ए सी ओ थ्री अगर हीट करते हैं तो बनता है सी ओ प्लस सी ओ टू बिल्कुल सही है यही सीओ रिएक्शन करता है प्रेजेंट इंप्योरिटीज के साथ एस आई ओ टू के साथ बनता है क्या स्लैग स्लैग इज लाइटर देन मेटल एस ऑलरेडी सेड तो यहां पे स्लैग फॉर्मेशन जोन फाइनली हमारा ये वाला जोन देख लेते हैं फ्यूजन जोन अब कुछ मेटल ऑक्साइड आई रिपीट कुछ मेटल ऑक्साइड सीओ के साथ रिड्यूस नहीं हुए वो क्या हुए ऐसे के ऐसे मेटल ऑक्साइड नीचे उतर रहे थे ब्लास्ट फर्नेस में अब वो रिड्यूस होंगे कार्बन के साथ फ्यूजन जोन में टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है नेचुरली ज़्यादा है बिकॉज कंबस्टन से जस्ट ऊपर आ रहा है कंबस्टन जोन में सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर फ्यूजन जोन में सेकेंड हाइएस्ट टेम्परेचर तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कार्बन है कार्बन क्या काम करेगा एफ ई ओ में एफ ई का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है किसमें कर देगा जीरो में यहां पे प्लस थ्री है किसमें कर देगा जीरो में तो यहां तक हमारा रिड्यूस कर देगा कुछ एलिमेंट के ऑक्साइड्स और भी प्रेजेंट हैं इसी ब्लास्ट फर्नेस में मेटल ऑक्साइड के साथ ही उनको भी कार्बन क्या करेगा रिड्यूस करेगा किस में मेटल्स में या फिर नॉन मेटल्स में तो यहाँ पे जो आयरन ऑप्टेन होगा इसके साथ कुछ इंप्योरिटीज आज भी प्रेजेंट है और इस रीज़न से ही यहाँ पे इस आयरन को बोलते हैं पेग आयरन जो प्योर नहीं है इवन ये सबसे इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है इसको आगे प्योरिफिकेशन करना है तभी तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड के बाद एक और स्टेप आता है जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग और यहाँ पे फाइनली हमारा आयरन ऑप्टेन हो गया है आयरन हमारा हेवियर है वो नीचे बैठता है स्लैग हमारा लाइटर है वो हल्का सा ऊपर रहता है और हर जोन के बारे में ब्रीफली डिस्कस हो चुका है मैकेनिज्म के साथ तो ये तो था आपका ब्लास्ट फर्नेंस अब अगर हम देखते हैं ब्लास्ट फर्नेंस अगर देख लिया और फ्लक्स की बात नहीं करी तो पिक्चर अधूरी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त यहाँ पे अगर फ्लक्स क्या है फ्लक्स इज द एडिड इंप्योरिटी व्हिच इज एक्सटर्नली एडिड टू रिमूव द इम्प्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन ओर वो इंप्योरिटी जो बिल्कुल हट नहीं रही थी सेपरेट नहीं हो रही थी फ्लक्स क्या करेगा उस इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा ताकि वो इंप्योरिटी हट जाए और बन जाए क्या स्लैग जो कि मेल्टेड फॉर्मेट में होता है तो नेचुरली रिएक्शन अगर होती है कोई भी रिएक्शन होती है तो हमेशा ऑपोजिट नेचर के कंपाउंड्स में होती है अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड है तो सामने क्या होना चाहिए मेटल ऑक्साइड होना चाहिए जिससे बनता है क्या स्लैग स्लैग इज इन द फ्यूजेबल फॉर्म मीन्स मेल्टेड फॉर्म अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अगर इनफ्यूजेबल इंप्योरिटी है प्रेजेंट है मेटल ऑक्साइड के साथ हमने क्या करा फ्लक्स एड करा बनता है क्या फ्यूजेबल स्लैग नेचुरली ये इंप्योरिटी हार्ड टू मेल्ट थी तभी तो फ्लक्स एड करा और बनता है क्या इजी टू मेल्ट स्लैग बन जाता है अब अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स कैसा चाहिए हमें बेसिक और इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स हमें कैसा चाहिए एसिडिक चाहिए तो ये है बेसिक इस वजह से ही अगर हम बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं क्या कि फ्लक्स इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स वन इज़ एसिडिक फ्लक्स एंड अदर इज़ बेसिक फ्लक्स तो अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एसिडिक फ्लक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स क्या काम करेगा इट इज़ यूज टू रिमूव द बेसिक इम्प्योरिटी बिल्कुल सही है हाँ अगर हमारे पास बेसिक इंप्योरिटी प्रेजेंट है मतलब मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर एज यू ऑलरेडी नो तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो हम क्या ऐड करेंगे फ्लक्स ऐड करेंगे विच इज़ नॉन मेटल के ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर बनता है क्या स्लैग बनता है फ्यूजेबल फॉर्मेट में एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल से अगर समझते हैं तो इम्प्योरिटी हमारी सपोज एफ ई है तो हम ऐड क्या करेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड ऐड करेंगे जो कि क्या है फ्लक्स है और बनता है क्या स्लैग बनता है तो एसिडिक फ्लक्स का ब्रीफ था अब आगे एसिडिक फ्लक्स पढ़ने के बाद पढ़ते हैं बेसिक फ्लक्स जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है बेसिक फ्लक्स में क्या होगा इट इज यूज टू रिमूव द एसिडिक इंप्योरिटी जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी तो वो क्या है एसिडिक इंप्योरिटी है अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा मेटल के ऑक्साइड विचार बेसिक इन नेचर सो बेसिक फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा ताकि इंप्योरिटी के साथ मिक्स होकर ये क्या बन जाए स्लैग विच इज इन फ्यूजेबल फॉर्मेट इजी टू मेल्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एसआईओ टू पहले से प्रेजेंट था इम्प्योरिटी के फॉर्मेट में हमने बेसिक ऑक्साइड मिलाया जो कि पहले इम्प्योरिटी था अब क्या मिलाया फ्लक्स और बनता है क्या स्लैग तो ये था आपका बेसिक फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स ये भी हमने पढ़ लिया और फाइनली हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं अब हम स्लैग की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट सेगमेंट है इस वीडियो का बिकॉज अगर आपने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करी तो स्लैग की प्रॉपर्टी डिस्कस करना भी बनता है तो चलिए ये वही ब्लास्ट फर्नेस है ब्लास्ट ऑफ एयर यूज करा यह स्लैग है इज 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 लाइटर इट एट एट टॉप लेवल लेवल एंड आयरन बॉटम मोस्ट है प्लग होल है हम निकाल सकते थे यहाँ पे आयरन को भी और स्लैग को भी चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग स्लैग इज फ्यूजेबल मास नेचुरली मोल्टेड फॉर्मेट में है मेल्टेड फॉर्मेट में है नेक्स्ट इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ये मेल्ट पहले ही हो गया स्लैग फॉर्मेशन में जिसका टेम्परेचर हाइएस्ट नहीं था तो यहां पे इसका इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट इट इज लाइटर देन मेटल तभी तो मेटल के ऊपर है और मेटल नीचे है ऑब्वियस नेक्स्ट इट इज इमेसिबल विद द मोल्टन मेटल नेचुरली मेटल के साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि अगर मिक्स हो गया तो फिर फायदा ही क्या हुआ हमारी पूरी रिएक्शन और मैकेनिज्म देखने का ये तो बहुत ही ऑब्वियस था नेक्स्ट बींग लाइटर एंड इमेसिबल स्लैग नेचुरली लाइटर है तो ऊपर है इमेसीबल है तो मिक्स नहीं हो रहा है स्लैग इट फ्लोट्स एज अ सेपरेट लेयर ऑन द मोल्टन मेटल हाँ मेटल के ऊपर मोल्टन फॉर्मेट में एक सेपरेट लेयर की तरह काम कर रहा है और तभी तो देन के दस कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द मेटल तो मेटल से हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं बिकॉज लेयर इसकी डिफरेंट है हल्का है लाइटर है और मिक्स भी नहीं हो रहा है लास्ट द लेयर ऑफ स्लैग ऑन दी मोल्टन मेटल प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम बींग ऑक्सीडाइज नेचुरली ऊपर है ऑक्सीजन नीचे है मेटल तो यहाँ पे ऑक्सीजन और मेटल के बीच में एक बेरियर एक बॉर्डर की तरह काम कर रहा है ताकि मेटल वापस से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो जाए तो ये तो था हमारा स्लैग फॉर्मेशन और पूरा वीडियो भी हमारा फिनिश होता है इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा ओढ़ से मेटल ऑप्टेन करने का प्रोसेस पढ़ा सेकेंड हमने रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल के प्रोसेसेस को ब्रीफली डिस्कस किया और तीसरा हमने स्मेल्टिंग में ब्लास्ट फर्नेंस की मैकेनिज्म फ्लक्स की प्रॉपर्टीज और स्लैग के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया तो चलिए आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा और बड़ा मजा आएगा ये टॉपिक समझने में थैंक यू